हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि पोको M6 5G फ़ोन में आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक पोको M6 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आपका जो नेटवर्क है गाइस, आपके फ़ोन में जो इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है, बार बार कॉल वगैरह नहीं जा रहा है, या आपका जो मोबाइल डाटा है वो भी ऑन नहीं हो रहा है, या बहुत ही स्लो हो गया आपका मोबाइल डाटा, या कॉल करने पर भी जो आवाज़ है वो अटक अटक के आ रहा है, तो कैसे आप लोग जो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का। तो इस कनेक्शन एंड शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ का। तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर से रीसेट करेंगे तो आपका कुछ भी पर्सनल डाटा वगैरह डिलीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर से सिर्फ नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट होगा। तो हम नेटवर्क सेटिंग्स को जो रीसेट करेंगे तो रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन का जो भी पासवर्ड है इसको डाल देंगे। डालने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो नेटवर्क सेटिंग्स होगा गाइस वो रीसेट हो जाएगा और आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा गाइस तो आपको अपने फ़ोन को एक बार जो रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, या आप लोग अपने सिम को एक बार निकाल के फिर से लगा सकते हो, ऐसा करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने पोको M6 5G फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।